प्रिटी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। हम कर रहे थे ऑर्गेनिक फार्मिंग में, जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारे पास आता है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। एडवांटेजेस यहाँ पर लाभ हैं, लाभ देखेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग के कौन कौन से हैं। उसके बाद देखेंगे इसकी हानियाँ कौन कौन सी हैं। जैसे लाभ में अगर देखा जाए, सबसे पहले आता है नो यूज़ ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स। अब इसके अंदर क्या है, जो सिंथेटिक केमिकल्स हैं, सिंथेटिक केमिकल्स होते हैं आपके जो बनाए जाते हैं, जो पेट्रोलियम बेस्ड होते हैं, यानी जो पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं उनसे बनाए जाते हैं। पेट्रोलियम आपको पता है एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, यानी एक गैर नवीकरणीय संसाधन है जिसकी हमें बचत करनी है, जिसको बचाए रखना जरूरी है। अब यहाँ अगर देखें, इसके अंदर जो जैविक खेती है, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, इसके अंदर सिंथेटिक केमिकल यूज़ नहीं होते। दैट मीन्स फिर सिंथेटिक केमिकल बनते हैं पेट्रोलियम से। अब सिंथेटिक केमिकल ही यूज़ नहीं हो रहे तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि पेट्रोलियम यूज़ करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है ज़्यादा। तो पेट्रोल की भी कहीं ना कहीं से अगर देखें, पेट्रोलियम पदार्थों की भी कहीं ना कहीं बचत हो जाती है, उन्हें ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता। सेकंड इसके अंदर आता है गुड फॉर हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं। ये आपके गुड फॉर हेल्थ हैं, स्वास्थ्य के लिए अच्छे। स्वास्थ्य के लिए अच्छे क्यों बताता है ये? क्योंकि इसके अंदर अगर देखें, बहुत सारे ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जो इवन जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, जैसे कैंसर है, कैंसर से भी हमें बचाते हैं, कैंसर को भी नहीं होने देते। दूसरा अगर देखें, जो आपके ऑर्गेनिक फार्मिंग है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर जो इम्यूनिटी सिस्टम है हमारा, इनको यूज़ करने से जो इम्यूनिटी सिस्टम है, जो इम्यून सिस्टम है, वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है हमारा। अब जब इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा तो बड़ी बड़ी बीमारियां भी शरीर में कोई असर नहीं कर सकती। इंक्रीज इन फर्टिलिटी पावर, ये तो हम पहले भी कर चुके हैं कि ये क्या करता है, ये जो फर्टिलिटी पावर है उसको इंक्रीज करता है। फर्टिलिटी पावर किसकी? सोयल की। उपजाऊ शक्ति को बढ़ाता है। इंक्रीज इन फर्टिलिटी पावर, उपजाऊ शक्ति में वृद्धि। जो मिट्टी है, जो भूमि है, भूमि के अंदर जो मिट्टी होती है आपकी, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को इनक्रीज कर देता है। और वो सबसे ज़्यादा फायदेमंद है, वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि फर्टिलिटी पावर ही इंक्रीज करनी होती है हमें। जब फर्टिलिटी पावर ही इंक्रीज हो जाती है तो जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन के अंदर क्वालिटी भी आती है, प्लस क्वांटिटी भी धीरे धीरे इंक्रीज हो जाती है। और लास्ट अगर इसके अंदर देखें, लास्ट बेनिफिट इसका क्या है, लास्ट बेनिफिट इसका कहता है कि जो विटामिन्स हैं उनका एक हाई लेवल इसके अंदर मिलता है। बहुत ज़्यादा विटामिन्स इसके अंदर मिलते हैं और उनका एक हाई लेवल में मिलता है। इसी यही रीज़न है कि अगर आज की डेट में अगर देखें ना, अगर आज की डेट में देखते हैं तो सबसे ज़्यादा जैविक जो पदार्थ हैं वो हम प्रयोग कर रहे हैं। जैसे खाने में अगर देखें, खाने के अंदर अगर आप देखते हैं, वहाँ हम क्या कर रहे हैं, वहाँ हम ज़्यादा से ज़्यादा जैविक चीज़ें प्रयोग कर रहे हैं। बहुत सारे जैविक जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं वो मार्केट में आए हुए हैं, जैसे ऑर्गेनिक फूड मार्केट में आया हुआ है। इवन अगर आप देखेंगे, ऑर्गेनिक शुगर भी मार्केट में अवेलेबल है। तो ये सारी की सारी चीज़ें अगर देखें, ये सारे के सारे बेनिफिट्स हैं। जैविक खेती जो है आपकी, ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपके विटामिन्स मिलते हैं। उसके बाद अगर देखें, ये हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल है। फर्टिलिटी पावर जो है सोयल की, वो भी इंक्रीज होती है। उसके बाद नेक्स्ट अगर देखें, पेट्रोलियम जो हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, जिसकी हमें ज़्यादा से ज़्यादा जिसकी बचत करने की है, उसको कम से कम यूज़ करने की जरूरत है, तो उसको बचाती भी है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है। उसके बाद हमारे पास आता है डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस में आपकी ये सारी की सारी हानियाँ हैं। अब हानियों में अगर देखें, हानियाँ कौन कौन सी हैं, तो ये कहता है कि एक तो सबसे पहली चीज़ ये कॉस्टली है। कॉस्टली
ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, बट जो हमारी केमिकल फार्मिंग है उससे ये आपका थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है। लेबर जो है, लेबर थोड़ी सी ज़्यादा यूज़ करनी पड़ती है, तो आपको लेबर की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो लेबर कॉस्ट भी थोड़ी सी ज़्यादा लगती है। बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते, बट केमिकल फार्मिंग के कंपैरिजन में थोड़ी सी ज़्यादा आ जाती है। लेस प्रोडक्शन, अब ये अगर कहीं कहें कि हमने पहले तो जिक्र किया था कि जो प्रोडक्शन है ऑर्गेनिक फार्मिंग का वो कम नहीं होता, और यहाँ हम कह रहे हैं कि लेस प्रोडक्शन। लेस प्रोडक्शन का मीनिंग है कि स्टार्टिंग में जब ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट की जाती है, तो स्टार्टिंग ईयर्स में जो पहले कुछ साल हैं वहाँ अगर देखें, स्टार्टिंग ईयर्स में वहाँ जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन कहीं ना कहीं आपका कम रह जाता है स्टार्टिंग ईयर्स में। तो ये अगर देखें, ये कुछ एडवांटेजेज और डिसएडवांटेजेज हैं। अब लेस प्रोडक्शन में अगर देखें, लेस प्रोडक्शन आपका लगभग 20% का डिफरेंस आ जाता है इसमें और केमिकल फार्मिंग में। दूसरा अगर देखें, एक चीज़ और भी है, और वो क्या है आपका, नो यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स समटाइम्स हार्मफुल। ये कहता है कि समस्या कहाँ आती है, नो यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड की। जैविक खेती के अंदर हमें सभी को पता है कि जैविक खेती के अंदर हम कोई भी पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करते। अब जब आप पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करेंगे तो कई बार समस्या ये आती है कि कई बार ऐसी बीमारी आ जाती है, ऐसे ऐसे पेस्ट आ जाते हैं, जीव ऐसे आ जाते हैं जो नाशक जीव हैं, नाशक जीव जो फसलों का नाश करते हैं, जो क्रॉप्स को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो कई बार इस तरह के पेस्ट आ जाते हैं आपके, जो जिनके लिए पेस्टिसाइड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगर आप पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करते तो वो हार्मफुल बन जाता है आपके लिए, ख़तरनाक बन जाता है। क्यों? क्योंकि जितनी भी आपकी प्रोडक्शन होता है, जितना भी आपका प्रोडक्शन होता है, पूरे को ख़त्म कर देते हैं। ये कह रहा है कि जितना भी हमारा प्रोडक्शन होता है वो कंप्लीट प्रोडक्शन को ख़त्म कर देते हैं। ये हमारे लिए एक, ये आपकी डिसएडवांटेजेस है। तो हमने टोटल चार एडवांटेज की हैं, चार डिसएडवांटेज की हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट से जो लाभ हैं वो क्या हैं आपके, हिंदी में बता देता हूँ कंप्लीट आपके। नो यूज़ ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स, रसायनों का प्रयोग ना करना, रसायनों का प्रयोग नहीं। रसायनों का प्रयोग ना होने से ये होता है कि जो रसायन हैं, जो आपके सिंथेटिक केमिकल हैं, वो आपके सारे के सारे पेट्रोलियम से बनते हैं, और पेट्रोलियम की कहीं ना कहीं आपकी जो सेविंग है वो हो जाती है। पेट्रोलियम ज़्यादा यूज़ नहीं हो पाता जो हमें फ्यूचर के लिए चाहिए। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है आपका पेट्रोलियम। गुड फॉर हेल्थ, बड़ी बड़ी बीमारियों के लिए भी अगर देखें, इम्यूनिटी सिस्टम को, जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है उसको, जो प्रतिरक्षित प्रणाली है या जो प्रतिरोधी प्रणाली है जो बीमारियों को रोकती है, उस प्रणाली के लिए, उस प्रणाली को ये मजबूत कर देती है जो ऑर्गेनिक फूड है आपके, जो जैविक पदार्थ हैं। तो उससे होता क्या है, जो बीमारियां हैं वो हमारे पास भी नहीं आती। या ये अगर देखें, जो बीमारियां हैं वो हमें नहीं होती, और बीमारी अगर नहीं होती तो गुड फॉर हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए अपने आप अच्छा है। इंक्रीज इन फर्टिलिटी पावर, जो फर्टिलिटी पावर है उसको इंक्रीज़ कर देते हैं, सोयल की फर्टिलिटी पावर को। हर फार्मर ये चाहता है कि उसकी जो सोयल है, सोयल की जो फर्टिलिटी पावर है वो इंक्रीज़ हो जाए, क्योंकि जब तक उपजाऊ शक्ति नहीं बढ़ेगी मिट्टी की, तब तक आज की डेट में तो क्वालिटी अच्छी मिलेगी, क्वांटिटी अच्छी मिलेगी, लेकिन नेक्स्ट कमिंग ईयर्स में जो क्वांटिटी है वो क्वालिटी है वो डाउन होती चली जाएगी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि फर्टिलिटी पावर बढ़ती है ऑर्गेनिक फार्मिंग से। हाई लेवल ऑफ विटामिन्स, बॉडी के लिए विटामिन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें ज़रूरत होती है, जो कि जो केमिकल फूड है या जो केमिकल फार्मिंग से जितना प्रोडक्शन मिलता है उससे हमें नहीं मिल पाते हैं, तो यहाँ वो मिल जाते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में, ऑर्गेनिक फूड से। डिसएडवांटेजेस कौन कौन सी हैं, कॉस्टली है केमिकल फार्मिंग के कंपैरिजन में, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन उससे थोड़ी सी ज़्यादा कॉस्ट जरूर आती है। हाई लेबर कॉस्ट, लेबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर, जैसे जो कंपोस्ट खाद, जो कंपोस्ट
जो फर्टिलाइज़र है वो बनाना है, कंपोस्ट खाद बनानी है, उसके अंदर लेबर आपको चाहिए, तो जो लेबर कॉस्ट है वो कंपैरिजन में जो केमिकल फार्मिंग है उसके कंपैरिजन में थोड़ी सी ज़्यादा आती है। लेस प्रोडक्शन लगभग 20% का डिफरेंस आ जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग में, जैविक खेती में और रासायनिक खेती में। रासायनिक खेती में थोड़ा सा प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, और वो भी अगर देखें स्टार्टिंग के ईयर्स में ज़रूर, शुरू के सालों में ज़रूर ज़्यादा होता है। किस में? रासायनिक खेती में। यहाँ लेस प्रोडक्शन होता है, कम उत्पादन होता है हमारा। नो यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स समटाइम्स हार्मफुल, कि कई बार समस्या ये आती है कि हम पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करते। अब पेस्टिसाइड ना यूज़ करने का हमें साइड इफ़ेक्ट कहाँ दिखाई देता है? कि कुछ पेस्ट ऐसे आते हैं, कुछ कीटनाशक जीव ऐसे आ जाते हैं, सॉरी जो कुछ कीट ऐसे आ जाते हैं कि वो हमारी फसल को पूरी तरह से ख़त्म कर देते हैं, तो पेस्टिसाइड उस केस में यूज़ करना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन यहाँ तो पेस्टिसाइड यूज़ ही नहीं करते, तो पूरा का पूरा प्रोडक्शन हमारा ख़राब हो सकता है। तो नेक्स्ट डे में करते हैं।